पूर्वजों का उद्धार करने के लिए अपने जीवन में एक दीपक, अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, आज से स्टार्ट हुआ, आप कुछ मत करिए तो कम से कम अपने पूर्वजों के नाम का एक दिया जरूर घर पे जलाइए। आप और अधिक कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक रोटी आप आसपास कौए को देखिए और कौआ को एक रोटी जरूर खिलाइए अपने पूर्वजों के नाम से। ये पितृपक्ष का जो महीना है, ये 15 दिन साल में एक बार परमात्मा ने केवल आपके और हमारे पूर्वजों के लिए बनाया है। इस पितृपक्ष में कौओं को खिलाने की बड़ी महिमा है, इस पितृपक्ष में अन्न दान की बड़ी महिमा है, इस पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी खिलाने की बड़ी महिमा है, इस पितृपक्ष में गौ माता को सहलाने की, उसके गले पे हाथ फेर के उसे हरा चारा, उसे रोटी, उसे खीर खिलाने की बड़ी महिमा है, इस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने की अद्भुत महिमा है। आपके पूर्वजों की जब भी तिथि आवे, दीपक तो आज से ही जलाइएगा, और जब तिथि आए आपकी पूर्वजों की, आपके दादा की, परदादा की, पिताजी की, माताजी की, जब भी तिथि आवे उस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराइए। हाँ, और ब्राह्मणों को इतना भोजन कराइए कि पत्तल में कुछ बच जाए, चाट कर ना खा जाए सारा, कुछ बच जाए, और जो बच जाए उसे आप कहते हैं पितृपक्ष में ब्राह्मण जो खाता है उसके खाने के बाद जो बचता है उसे यदि कौआ खा ले तो वो सीधा पितरों तक पहुंचता है, सीधा मिलता है। इस पितृपक्ष की बड़ी महिमा है। अब कुछ लोग जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो बिलीव नहीं करते, महाराज जी हम यहाँ ब्राह्मणों को खिलाएंगे वहाँ पितरों को कैसे मिल जाएगा। कहते हैं पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौआ बनकर ही वो अन्न ग्रहण करते हैं, कौआ बनकर ग्रहण करते हैं। अब आप कहें महाराज जी कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, है कैसे संभव है, सुनिए। जैसे आप किसी को भी 1,000 रुपए भेजना चाहते हैं, आपका अपना कोई अमेरिका में है, जापान में है, या पूना में है, यदि आप अपने रिश्तेदार को, अपने बेटे को, आपसे बहुत दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, और उसे आप कुछ भेजना चाहते हैं पैसे, कैसे भेजेंगे? बैंक एक माध्यम है, आप बैंक में डालिए, उस खाते पर, उसके खाते पर आपका बेटा वहां निकाल लेगा आसानी से। जैसे बैंक एक माध्यम है पैसा ट्रांसफर करने का, उसी प्रकार परमात्मा ने ब्राह्मणों को, गौ माता को एक माध्यम बनाया है कि आप इन्हें खिला दीजिए, दीन दुखियों को खिला दीजिए, आपके पूर्वजों तक भगवान ट्रांसफर कर देंगे। तो ये ट्रांसफर प्रणाली, जब बैंक का जन्म नहीं हुआ हमारे भारत में, तब से परमात्मा ने ये पितृपक्ष रखा है। अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाती है, अकस्मात कोई फांसी लगा लेता है, कोई ट्रेन में कट जाता है, कोई एक्सीडेंटल हो जाता है, कुछ भी कह लो, इन सब की मुक्ति जल्दी नहीं होती। इनके नाम का यदि आपने श्राद्ध किया, गया जी में पिंडदान किया, तर्पण किया, और भागवत सबसे अंतिम सीढ़ी है भागवत, यदि आपने अपने पूर्वजों के नाम से भागवत कथा करवा ली तो मुझे विश्वास है कि 21 पीढ़ी तर जाती है। गया श्राद्ध से भी 21 पीढ़ी का विधान है। अभी मैं घर पे गरुण पुराण का ही अध्ययन कर रहा था, तो गरुण पुराण में एक वर्णन है कि गया जी में कोई श्राद्ध करे, गया जी में
राम घाट करके के स्थान है, वहां कोई गया में जितने बड़ा गया स्थान है, एक एक स्थान की बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम ने दशरथ जी का भी श्राद्ध वहीं किया था, पिंडदान वहीं किया था। हमें भी अपने जीवन में एक बार कम से कम गया जी जाकर अपने पूर्वजों को जरूर तर्पण करना चाहिए, पिंडदान देना चाहिए, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। यदि वो कहीं फंसे होंगे यत्र तत्र, उनका मोक्ष हो जाएगा, सदगति हो जाएगी। आप अभी लॉकडाउन में शायद गया जी ना जा पाए, कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में भागवत भी ना करा पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने घर पे ही एक दीपक जला दीजिए। अपने पूर्वजों का स्थान दक्षिण दिशा में मानकर दीपक जला दीजिए और हाथ में कुशा, कुशा जानते हैं, कुशा ना हो तो दूबा, दूरवा, दूरवा हाथ में लेकर, आपको मंत्र कुछ याद है नहीं, आप हाथ में दूबा लीजिए और सुबह सुबह स्नान करके और पितरों के नाम से जो घर के बच्चे हैं पुरुष गण वो लोग जल दे दें, जल ऐसे कुशा हाथ में लेकर जल डालते जाएं और पूर्वजों का चिंतन करते जाएं, उनका आवाहन जल लीजिए, जल लीजिए। श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायण नारायण कह के आप पूर्वजों के नाम से जल दे सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं। नाम भगवान का लीजिए, श्रीमन्नारायण, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। इस नारायणाय नमः से आप अपने पूर्वजों को जल भी दे सकते हैं, इस नारायणाय नमः से आप पिंडदान भी कर सकते हैं। मतलब ये वो मंत्र है हर जगह यूज होता है, सब जगह काम करता है, काम करता है पूरा। तो बहुत सारा विधान है पर सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं, भक्ति है।